गुड मॉर्निंग क्लास। थैंक माय चैप्टर नेक्स्ट यू कर है चैप्टर 7 फ्रैक्शनल नंबर्स। ओके, नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का चैप्टर। ओके, क्लास सेकंड में आप सभी ने पढ़ा होगा फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत आपके क्लास में सेकंड में था, ठीक है। डिटेल में हाँ आज हम देखते हैं आपका क्या रहता है। फ्रैक्शंस क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए, फ्रैक्शन होती क्या है, किस यूज क्या हम किस लिए फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ए फ्रैक्शन शो ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन क्या करते हैं, फ्रैक्शन शोज ए पार्ट ऑफ ए होल। देखिए एक होल पार्ट होता है, ये देखिए ये मेरा पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये होल बॉक्स है पूरा, इसका कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। इसको होल बॉक्स बोल रहे, सिंगल बॉक्स है, मैंने इसके टू पार्ट्स कर दिए, ठीक है। इसके मैंने क्या कर दी, टू पार्ट्स कर दिए, जैसे कि आपको शो हो रहे हैं, टू पार्ट्स कर दिए। अब मैंने एक पार्ट को क्या कलर कर दिया, ठीक है। अब मुझे इनको फिगर्स में शो करना है, नंबर्स में शो करना है, तो आप कैसे शो करोगे। मैंने एक डायग्राम ये बना दिया, बॉक्स बना दिया, मैंने इसके टू पार्ट्स कर दिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आपको ये शो करके बताना है कि इसके टू पार्ट्स है और वन पार्ट क्या कलर्ड है, तो उसको आप उसके लिए क्या यूज करते हो, उसके लिए आपकी फ्रैक्शंस का यूज करते हो। किसी भी चीज को फिगर में जैसे आप शो करना है पार्ट को, एक होल पार्ट होल चीज है उसका, ठीक है, उसको आपको शो करना है पार्ट में, उसका पार्ट शो करना है। जैसे होल सर्कल हो गया, ये होल सर्कल हो गया, इसको अगर इसके पार्ट कर दिए मैंने, फोर पार्ट कर दिए, किसी भी चीज को ले लो, अगर उसको पार्ट में शो करना है तो आप क्या यूज करोगे, फ्रैक्शंस का यूज करते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, ये डायग्राम बना दिया, इसके टू पार्ट कर दिए, उस बॉक्स में मैंने एक पार्ट का कलर कर दिया। अब मुझे इसको शो करना है नंबर्स में, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, सबसे पहले इसको शो करने के लिए आप क्या करोगे, आपने देखा कि ये पूरा एक बॉक्स है, उसके पार्ट्स कितने, टू, तो यहाँ नीचे क्या लिखोगे, इसको शो करने के लिए नीचे आप लिखोगे टू लिखोगे। जब इसके पार्ट शो करोगे तो आप लिखोगे कि टोटल इसके पार्ट कितने हैं, टू, और कलर्ड पार्ट कितना है, वन। मैंने आपको बोला कि ये आपका डायग्राम, इसको आप फिगर में शो करना है, कैसे करोगे कि कलर्ड पार्ट को शो करना है, तो आप लिखोगे कि टोटल तो दो इसकी पार्ट है, इस पूरे के टू पार्ट्स हैं, ठीक है, उसका कलर्ड पार्ट कितना है, वन है, तो वन अपॉन टू इसको बोल सकते हैं, वन बाई टू बोल सकते हैं, वन एंड हाफ बोल, वन हाफ बोल सकते हैं, वन ओवर टू इसको आप बोल कैसे भी बोल सकते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे भी करिए, आप वन बाई टू बोल दो, वन हाफ बोल दो, वन ओवर टू बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोलो। इसके लिए आपको समझ में आ गया, फ्रैक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं, हम किसी भी नंबर को एज फ्रैक्शन शोज ए पार्ट ऑफ ए होल। ये होल नंबर जो होता है, होल बॉक्स है, होल कंप्लीट सर्कल है आपका, ठीक है, उसमें से कोई पार्ट शो करने के लिए आप क्या यूज करते हो, फ्रैक्शन का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, तो उसमें देखिए अब आपको मैंने बोला कि इसमें मेरा क्या है, वन पार्ट क्या है, मैंने कलर कर दिया, ये कलर पार्ट है मेरा। अब मैंने उसको बोला कि नंबर में शो करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए फोन में क्या लिखोगे, सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हम देखेंगे टोटल पार्ट्स कितने हैं उस चीज के, जैसे सर्कल हो, कोई बॉक्स हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, किसी भी चीज के आपको पार्ट शो करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टोटल पार्ट देखो कितने हैं, वन टू थ्री फोर, तो फोर यहाँ नीचे लिखोगे आप, ठीक है। और शेडेड कितना है, कलर पार्ट कितना है, वो आपको बताना है, वन पार्ट है तो वन अपोन में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, शेडेड पार्ट जो आता है यहाँ आएगा, और टोटल जो है टोटल पार्ट यहाँ आएगा, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए एक बार, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, मैंने कंप्लीट सर्कल बनाया और फोर पार्ट्स उसको मैंने डिवाइड कर दिया फोर पार्ट्स में, और मैंने वन पार्ट को क्या शेडेड कर दिया, कलर कर दिया वन पार्ट को। अब उसको फिगर्स में शो करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, फोर लिखा मैंने, अपोन में फोर लिखा, ठीक है, और जितना शेडेड पार्ट है तो यहाँ वन लिख दिया। अब मैंने टू पार्ट्स को यहाँ कलर कर दिया, शेड क्या है, टू पार्ट्स को शेड दे दी। अब इसको कैसे शो करोगे, अब इसको शो करने के लिए आप यहाँ अपोन में अगेन टोटल पार्ट्स लिखोगे, वन टू थ्री फोर, और शेडेड पार्ट कितने हैं, वन एंड टू,
यहाँ टू कर दी। ओके इस तरह से हम ये करेंगे फ्रैक्शंस में शो। फिर मैंने एक पार्ट और कलर कर दिया ये वाला, ठीक है। अब आपको शो करना है क्या करोगे, अगेन फोर लिखोगे, टोटल पार्ट फोर है, 1 2 3 4, और शेडेड कितने हैं, 1 2 3, 3 शेडेड पार्ट है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको कि फ्रैक्शंस को हम कैसे शो करेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है, उसको हम नंबर्स में फिगर्स में शो करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ तक आपने देख लिया, ठीक है। अब बात आती है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या चीज होती है, व्हाट इज डिनोमिनेटर एंड व्हाट इज न्यूमरेटर, वो देखिए आप। अगर मैंने इसके यहाँ फोर पार्ट्स कलर कर दिए होते तो आप मुझे बताइए हम इसको कैसे लिखते। फोर पार्ट्स मैंने अगर इसके कलर कर दिए होते तो इसको कैसे लिखते हैं अपने, फोर टोटल पार्ट्स है और कलर कितने, 1 2 3 4, फोर पार्ट कलर है, तो फोर से फोर होता कट हो रहा है, फोर में फोर का डिवाइड जाता है कितने टाइम, वन टाइम। डेट मीन्स आपका पूरा सर्किल आ गया, आंसर में आपका वन आ गया, डेट मीन्स पूरा सर्किल आपका कलर्ड है, ये पूरा सर्किल एक पार्ट है, पूरा होल चारों फोर पार्ट्स है एक सर्किल के, डेट मीन्स कंप्लीट सर्कल इसका आंसर में आपका आ जाता है कि कंप्लीट सर्कल है एक तरह, ठीक है। अब इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर देखिए क्या होते हैं, मैंने जब बताया था कि इसके थ्री पार्ट कलर्ड हैं, देखिए अपने इसके वन पार्ट कलर रखते हैं, वन पार्ट को मैंने शेड दे दी, ठीक है। शो कैसे करते हैं इसको, 4/1, बिकॉज टोटल पार्ट्स फोर है और वन पार्ट शेडेड है, ठीक है। अब इसको मैंने ये लिख दिया, अब ये है क्या चीज, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा जो नीचे टोटल जो होता है ना, नीचे वाला जो नंबर होता है टोटल पार्ट्स हमने शो किया, ये आपका इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ये आपका होता है डिनोमिनेटर, ओके। और ये पार्ट आपका इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको क्या, आप इसको क्या बोलोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई करना। मैं आपको क्वेश्चन अगर पुट करूंगी यहाँ पे तो आप उसमें से आपको बताना है कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। देखिए मैंने बोर्ड पे दो तीन क्वेश्चन लिखे, अब इसे आइडेंटिफाई करना है आपको कि न्यूमरेटर कौन सा है डिनोमिनेटर कौन सा है। तो नीचे वाला जो होगा नंबर 8, डेट मीन्स ये डिनोमिनेटर है आपका और ये आपका न्यूमरेटर है, ठीक है। सेम जो नीचे वाला नंबर है 10, डिनोमिनेटर है ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर हो गया और 1 न्यूमरेटर हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। अभी तक हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करना, देखा क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, यूनिट फ्रैक्शन क्या, हमारा टॉपिक नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, इन इफ इन ए फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज 1 इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें क्या है न्यूमरेटर क्या 1 हो। अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता है कि न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर क्या होता है, तो उस फिर क्या है वो क्वेश्चन आप क्या इजीली कर सकते हो। आपको पता है न्यूमरेटर आपका ये 1, यहाँ भी 1 है फ्रैक्शन में, ये 1, ठीक है। डेट मीन्स आपके ये क्या है, न्यूमरेटर आपका 1 है, जहाँ न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 हो वो आपकी क्या होती है, यूनिट फ्रैक्शन होती है। जहाँ टोटल सब में फ्रैक्शंस में क्या है न्यूमरेटर आपको 1 दिखे, ऊपर आपको 1 दिखे, तो आप समझ लेना कि आपकी क्या है फ्रैक्शंस क्या है, ये फ्रैक्शन आपकी यूनिट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आपकी देखिए लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है देखिए,
मैंने यहाँ देखिए टू कोलन्स बनाए हैं, फर्स्ट में लिखा है लाइक फ्रैक्शन और सेकंड में लिखा है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं लाइक फ्रैक्शन के नीचे, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7। और मैंने अनलाइक फ्रैक्शन के आगे यहाँ क्या लिखा है, 2/6, 3/7, 4/5 और 6/9 मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, इसकी आइडेंटिफाई क्या है कि कैसे करोगे आप कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी है। लाइक फ्रैक्शन में ऑलवेज डिनोमिनेटर क्या सेम होंगे, सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर आपके सेम रहेंगे। देखिए डिनोमिनेटर सब में सेम है, देखिए आप यहाँ देखिए 2/7, इसका भी 7 डिनोमिनेटर, ये भी 7 और ये भी 7 है। डेट मीन्स आपके सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जब सेम हो तो फ्रैक्शन आपकी क्या होती है, लाइक फ्रैक्शन होती है, ओके। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जब डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट हो, देखिए यहाँ 2/6 है, यहाँ 3/7, 4/5 एंड 6/9, ओके आपके डिफरेंट हो गए, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 7, यहाँ 5 और 9, ठीक है। अलग अलग अगर आपकी आ रही है यहाँ पे डिफरेंट आपके डिनोमिनेटर आ रहे हैं, डेट मीन्स वो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है। एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होंगे, ये बिकॉज देखिए 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7 सब सेम है, 7/7/7 आ रहे नीचे डिनोमिनेटर, डेसिमल ये आपकी लाइक फ्रैक्शन है। और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आपको ये पता होगा कि सेम नहीं आ रहे, तो वो उसका रिवर्स कर दें, दैट मींस वो अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन सबको डिफरेंस पता चल गया, लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होंगे और अनलाइक डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट होंगे, वो अनलाइक फ्रैक्शन है, ओके। यहां तक समझ में आया सभी को, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डिनोमिनेटर सेम दैट मीन्स वो लाइक फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर जहां डिफरेंट होंगे वो आपके अनलाइक फ्रैक्शंस होगी, ओके। तो ये आपका, आपने कल अपनी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका, फ्रैक्शंस का ही एडिशन करना देखेंगे कि इनका लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर का ऑर्डरिंग करना सीखें, उनको ऑर्डर में सेट करना कैसे सेट करते हैं, वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके।